हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। 60Hz, 90Hz, 120Hz तीनों के रिफ्रेश रेट में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि मिड रेंज में जो डिवाइस आपको मिल रहा है Realme 6 Pro, Poco X2, जिसमें आपको 90Hz और 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है, क्या ये ट्रू 90Hz और 120Hz आपको दे रहे हैं? जैसे कि 90Hz, 120Hz, 144Hz के जो डिस्प्ले आए थे वो बेसिकली PC या लैपटॉप में पहले आए थे और वो गेमिंग के लिए आए थे कि आपके गेमिंग के एक्सपीरियंस को स्मूथ कर लें और जो वर्क भी काफी अच्छे करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ मोबाइल डिवाइसों की बात करें, खासतौर से मिड रेंज के मोबाइल डिवाइसों की बात करें जिनमें आपको 120Hz, 90Hz का मेन अट्रैक्शन के साथ मोबाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, क्या ये आपको प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो हम आज आपको यहाँ बताने वाले हैं। क्या कंपनियां यहाँ को एक तरह से बेवकूफ बना रही है, तो चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मेन मेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं मेन मेन्यू में हमें प्रॉपर 120Hz और 90Hz का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था तीनों डिवाइसों में। यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे थे 120Hz के या 90Hz के साथ यहाँ रिफ्रेश रेट हमें शो हो रहा था जैसा आपको मोबाइलों में मिल रहा है, और काफी स्मूथ 60Hz के मुकाबले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप गैलरी में अगर आप अप डाउन करते हैं, यानी कि स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हैं, तो आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। सेटिंग्स में आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी, जो शटर आप यहाँ ओपन करते हैं उसमें स्मूथनेस देखने को मिलेगी, आप ब्राउजिंग करते हैं उसमें स्मूथनेस देखने को मिलेगी, या फिर आप नंबर डायल करते हैं, यानी जितने भी आप UI से रिलेटेड चीजें ऑपरेट करते हैं आपको 120Hz और 90Hz में स्मूथनेस 60Hz के मुकाबले देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या 90Hz और 120Hz के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है? नहीं, दोनों के बीच में काफी मेजर डिफरेंस है। अगर हम यहाँ स्मूथनेस की बात करें तो 60Hz के मुकाबले थोड़ा स्मूथ है 90Hz जो आपको फील होगा, लेकिन 120Hz अगर आप ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्मूथ है मोबाइल कंपेरिजन वाइज यहाँ पे 60 और 90Hz के मोबाइल के। यानी कि Poco X2 की जो स्मूथनेस है, फील है, अगर आप ऑपरेट करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको अलग ही देखने को मिलेगी। यानी कि स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप मोबाइल काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। Realme 6 Pro भी कंपैरिजन वाइज 60Hz के मोबाइल के थोड़ी स्मूथनेस शो करते हैं, लेकिन ये उतनी नहीं करते जितनी Poco X2 करता है। तो ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस है जो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी लिमिटेशन है। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी आपको बेवकूफ भी बना रही है। जैसे कि जो ये मिड रेंज के फोन है, इनके लिए काफी सारे लिमिटेशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं PUBG से। अगर आप PUBG के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं, और हमने काफी लोगों से बात करी और उनको ऐसा लगता है कि 120Hz और 90Hz का सपोर्ट आपको PUBG में मिल जाएगा और गेम स्मूथ चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। PUBG से रिलेटेड मिसकंसेप्शन को आप अपने माइंड से दूर कर दीजिए। ये जो डिवाइस है, ये पहली चीज, PUBG को 60fps तक सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो PUBG का ग्लोबल वर्जन है वो मैक्सिमम 60fps या 60Hz सपोर्ट करता है। जितना FPS जाता है उतना ही हर्ट्ज सपोर्ट होता है, सीधी सी बात है। तो PUBG में मैक्सिमम 60fps जा सकता है, इसलिए 60Hz ही आपको सपोर्ट मिलेगा ग्लोबल वर्जन में। चाइनीज वर्जन में मिल जाता है ज्यादा का, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो ग्लोबल वर्जन है। ग्लोबल वर्जन में आपको 60fps या 60Hz का ही मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप 120Hz वाले स्क्रीन से, जैसे कि हमने आप देख सकते हैं तीनों में ओपन किया PUBG, तीनों में जैसे ही हमने ओपन किया तो Realme के डिवाइसों में 90Hz से 60Hz पहुंच गया, और Poco X2 में 120Hz से 60Hz पहुंच गया। तो ये PUBG में होता है, और PUBG में आपको मैक्सिमम इतना ही रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्या आगे PUBG की अपडेट के बाद अगर उसमें सपोर्ट आ जाता है तो इन डिवाइसों में चलेगा? तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिवाइस बड़ी मुश्किल से तो 60fps सपोर्ट कर पाते हैं, किसी में GFX2 लगाना पड़ता है तो जाके वो 60fps सपोर्ट कर पाता है। उसके बाद अगर आप ये सोचें कि ये 90fps सपोर्ट कर ले या 120fps सपोर्ट कर ले, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इन डिवाइसों में आपको PUBG 60Hz पे ही वर्क करता हुआ नजर आएगा। इवन अगर PUBG की आगे अपडेट आ भी गई 120Hz सपोर्ट वाली, उसमें भी ये डिवाइस 60Hz पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये 60fps के ऊपर सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी डिवाइस के लिए 120Hz या 90Hz का मतलब तभी है गेमिंग में, जब उसका हार्डवेयर इतना केपेबल हो कि वो हर गेम को 120fps तक सपोर्ट कर ले।
ऐसा पबजी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये जो मिड रेंज के डिवाइस है इनमें पबजी आपको 60 हर्ट्ज में ही चलता हुआ नजर आएगा, ये एक फैक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अदर गेम्स की बात करें, क्या अदर गेम्स में आपको ये सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए हमने अल्टो ओडिसी ओपन किया जो एक नॉर्मल गेम है, यानी छोटा गेम है जिसपे आपको 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम गेम को ओपन कर रहे हैं Realme 6 Pro में ये 60 हर्ट्ज में पहुंच जाता है, जबकि Poco X2 में 120 हर्ट्ज में ही रहता है। गेमिंग एक्सपीरियंस हल्का फुल्का स्मूथ है Poco X2 में, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमें ऐसा लगा था कि 60 हर्ट्ज के मुकाबले 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल भी रहा है, उसमें डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हल्का फुल्का एनिमेशन में डिफरेंस बहुत माइनर है, जो हम ये बोल सकते हैं कि 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में जैसा डिफरेंस होना चाहिए वैसा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। तो हमने इसे सुपर स्लो मोशन में भी कैप्चर किया, स्लो मोशन में भी कैप्चर किया, यही देखने के लिए क्या मूवमेंट में स्मूथनेस है। तो मूवमेंट लगभग सिमिलर है, हल्के फुल्के स्मूथ आपको 120 हर्ट्ज में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमने और भी गेम ओपन किए, जैसे कि कवर फायर 120 FPS को सपोर्ट करता है, इसमें सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। सेटिंग्स हमने 120 FPS करके जब तीनों में गेम ओपन किया, तो सबसे पहली बात यहाँ पे Realme के डिवाइस में फिर से वही चीज़ हुई, वो 90 हर्ट्ज से ये सीधा 60 हर्ट्ज पे पहुँच गया जैसे गेम ओपन हुआ, यानी कि Realme के डिवाइस में हम कोई भी गेम ओपन कर रहे हैं ये 60 हर्ट्ज पे ही चला रहा है। Poco X2 120 हर्ट्ज तक ले जा रहा है, लेकिन प्रॉपर 120 हर्ट्ज या 120 FPS सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हार्डवेयर भी मैटर करता है, इसके साथ साथ प्रॉपर सपोर्ट भी मैटर करता है। तो 120 हर्ट्ज तक जा रहा है, 120 FPS यहाँ शो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि हल्की फुल्की स्मूथनेस है, हम फिर से बोल रहे हैं हल्की फुल्की स्मूथनेस है एनिमेशन में मूवमेंट में, लेकिन उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो गेमिंग से रिलेटेड अगर आप लेने की सोच रहे हैं कि 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो फिलहाल कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे 60 हर्ट्ज का मोबाइल और 90 हर्ट्ज का 120 हर्ट्ज का, तीनों की परफॉर्मेंस हमें लगभग सिमिलर मिल रही, बहुत माइनर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली में होना चाहिए मेजर, लेकिन फिलहाल माइनर देखने को मिल रहा है डिफरेंस। तो मिड रेंज फोनों के साथ सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि उनका हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है कि वो गेम को प्रॉपर 120 FPS पे सपोर्ट दे दें, क्योंकि हर एक गेम 120 FPS पे सपोर्ट नहीं होता है, हर एक गेम में आपको 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं मिलता है, और जिन गेमों में 120 FPS सपोर्ट मिलता है वो हाई ग्राफिक्स गेम होते हैं, उनके लिए हार्डवेयर भी काफी ज्यादा पावरफुल चाहिए, जैसे कि स्नैपड्रैगन 855, 865, यानी कि ऐसे प्रोसेसर है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर उससे कम वाले प्रोसेसर हैं तो उनमें डिस्प्ले 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज का बेसिकली जो यूज रह जाता है वो होम स्क्रीन UI ऑपरेट करने के लिए रह जाता है। आप अगर ब्राउजिंग करते हैं, होम स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हैं, गैलरी को ऊपर नीचे करते हैं, या सेटिंग्स को आप ऑपरेट करते हैं, तो स्मूथनेस देखने को मिलती है। उसके अलावा गेमिंग में स्मूथनेस हमें तो नहीं देखने को मिल रही इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम ये बोले कि नहीं बहुत स्मूथ चल रहा है, ऐसा नहीं है। गेम स्मूथ चल रहा है, लेकिन ये वैसे ही चल रहा है जैसे 60 हर्ट्ज वाले मोबाइलों में चल जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस के कारण अगर आप गेमिंग से रिलेटेड फोन लेना चाह रहे हैं, और स्पेशली आप 120 हर्ट्ज इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आपको पबजी प्ले करना है, या फिर अदर ऐसे गेम लेना चाह रहे हैं जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया, या ऐसे गेम्स के लिए आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं और आपको ये लगता है कि 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिड रेंज के डिवाइस में आपको सिर्फ ये सपोर्ट मेन मेन्यू या UI ऑपरेट करने तक ही देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप YouTube भी ओपन करते हैं तो YouTube 60 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, यानी कि YouTube में आप वीडियो प्ले करेंगे तो 60 हर्ट्ज पे ही चलेगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि YouTube में 60 FPS ही मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है वीडियोस में, तो उसका मतलब भी नहीं निकलता। तो गाइज, अब आपके माइंड में काफी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये जो मिड रेंज के फोन आ रहे हैं वो बेसिकली आपको 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो UI ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं। गेमिंग के लिए फिलहाल यहाँ पे ज्यादा एफर्ट नहीं किया गया, आगे आने वाली अपडेट्स में हो सकता है कि आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये अपडेट कर दें और कुछ गेमों का सपोर्ट प्रॉपर दे दें, लेकिन फिलहाल Poco X2 में तो कुछ में सपोर्ट हमें मिल रहा है, लेकिन Realme के डिवाइसों में फिलहाल कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा गेमों में, खासतौर से 90 हर्ट्ज का, क्योंकि हमने काफी सारे गेम ट्राई करे, किसी भी गेम में 90 हर्ट्ज का सपोर्ट या 90 FPS हमें Realme 6 या Realme 6 Pro में मिलती हुई नजर नहीं आई।
तो गाइस कुछ इस तरह का था वीडियो जिसमें आपको मिड रेंज में फिलहाल ऐसा ही 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज मिल रहा है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवाईजे वर्ल्ड।